इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, या तो नेपोटिज्म की वजह से उन्हें काम मिल जाता है, या फिर कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई संबंध रिलेशन किसी से हो। काफी लोग हैं जो यू नो दे वांटेड समथिंग एल्स इन रिटर्न, जो नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। आया प्रकाश झा का आश्रम है, मेरी तरफ से हाँ था, नरेशन सर ने बाद में दिया, स्क्रिप्ट क्या है, कैरेक्टर क्या है, वो सब मैंने बाद में सीखा। एक्टर्स डायरेक्टर प्रकाश झा, तो आपको पता है आप उनके साथ कुछ भी काम करें आपका रोल अच्छा ही होगा। काफ़ी हैं जो मेरे मुझसे पहले से काम कर रही हैं कहीं नहीं कुछ कर पाई, काफ़ी हैं जो मेरे बाद में आई और कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पूरा लेवल किया वो 10 साल में मैं वहाँ पहुँच गई हूँ कि जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिल रहा है। ये चीज़ सीखने में मुझे बहुत ही वक्त लगा कि अपना काम करो और भूल जाओ। मैंने देखा है बहुत पार्टीज में वहीं पे फिल्म्स बन जाती हैं, तुम्हें मूवी करनी है, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मूवी बना लेते हैं। अगर मैं पार्टी करती, अगर मैं जो करना होता वो करती, शायद तब भी मुझे इतना काम मिलता, क्योंकि मेरी किस्मत में यही लिखा है। मुझे लगता है कि शाहरुख खान है, अरे शाहरुख खान अपने आप को शाहरुख खान नहीं समझता, तो आप कहाँ से आ गए? मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ, ना मैं ये करना चाहती हूँ कि यू नो, या फिर कितना मैंने ये भी देखा है लोग अपने नाम उछाल देते हैं, इस फिल्म को कर रही है। मैं तो अगर कोई मुझसे पूछते मैं साफ बोलती भैया मैं नहीं कर रही, मुझे पता ही नहीं है आर्टिकल कहाँ से आया। सबसे नीचे गिर भी गए तो उसके बाद क्या होगा, ऊपर ही आएंगे, और अगर पीछे भी गिर गई तो क्या होगा, उठ जाएंगे अपने आप। तो वो जब आपका थर्ड मेंटालिटी होती है ना, आप हर एक में कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाय, दिस इज ईशा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया विद आशीष। हेलो, मैं हूं आशीष और मेरे साथ हैं बेहद स्पेशल गेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट सेक्सीएस्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वुमेन आई नो, बहुत ही ट्रांसपेरेंट, बहुत ही साफ गोई से जो अपनी बात रखती हैं। जन्नत 2 की जानवी से लेकर आश्रम 3 की सोनिया तक से आपके दिलों में, आपके जहन में अलग जगह बनाने वाली ईशा गुप्ता मेरे साथ हैं। ईशा, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड आशीष जी, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। मतलब हर बार जब भी आपके सोशल मीडिया पोस्ट को देखें, किसी भी चीज़ को देखें, हॉटनेस, टैलेंट प्लस हॉटनेस एक साथ बरस रहा होता है, और ये जो अवतार है सोनिया का, उसमें मतलब क्या कहें, कहर ढा रही हो आप। थैंक यू। नहीं, सोनिया का किरदार इसलिए मेरे स्पेशल है क्योंकि बहुत डिफरेंट कैरेक्टर मिला है। एक और बात यह है कि अब इतना ज़माना बदल गया कि एक्ट्रेसेस आर ओके एंड इवन द फिल्म मेकर्स आर ओके एंड द ऑडियंस आर ओके टू यू नो स्टिल एक्सेप्ट यू एज अ, अगर आप नेगेटिव रोल करते हैं। वरना क्या होता था थोड़े टाइम पहले तक, अगर आप नेगेटिव रोल करते तो आपको ना वैम्प बुलाया जाता था। आई रिमेंबर जब मैंने रुस्तम की थी, आई थिंक इट वॉज माई फर्स्ट कि कभी किसी ने लीड एक्ट्रेस ने नेगेटिव रोल किया इतने टाइम बाद। काजोल जी ने किया था गुप्त, उसके बाद आई डोंट रिमेंबर एज सच कोई यू नो करता है। एंड आई वॉज लाइक ऑफकोर्स आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, यू नो व्हेन दे ऑफर्ड मी। कितनों ने, एक दो एक्ट्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि नेगेटिव है सब है। ऐसे ही जब मुझे आश्रम आया ऑफर एंड व्हेन आई वाज टोल्ड दैट अच्छा एक ऐसा रोल है, मैं ऑफकोर्स प्रकाश सर जी ने थोड़ा चेंज भी किया जब मैं आ गई उसके बाद। एंड आई लाइक कि वो थोड़ा वो यू नो ग्रीनेस दिखाई, क्योंकि हम भी जब देखते हैं, मतलब हर एक का एक ओपिनियन होता है। जब मैं शो देखती हूँ ना, ऑफकोर्स हमेशा चाहती हूँ मैं कोई भी शो या मूवी देखूँ कि सच्चाई की जीतो, अच्छाई की ही जीतो, मगर ये पूरे आश्रम में कोई है ही नहीं अच्छा या सच्चा, तो आपको लगता है चलो जैसे के तार वैसे ही हो जाते हैं हम भी। तो जब ये शो किया, आई वाज लाइक ये एक्साइटमेंट है। और बाबा ऐसे हैं जो सबको नचा रहे हैं, लेकिन सोनिया ऐसी है जिसने बाबा को नचा दिया है। जी, वो आई थिंक वो जरूरी था। पहले दो सीजन में बाबा खुद नाचे जा रहे हैं, सबको नचा रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, सोनिया आई जो सोनिया ने बोला ना आपका आशीर्वाद चाहिए, ना आपसे आशीर्वाद लेना है, अपना बस में काम करके निकलना है। और ये जो इंटेंस अवतार है, इतना प्रभावशाली, इतना सशक्त है, लोगों पे जिसका एक अलग ही छाप छोड़ रहे हैं, क्योंकि वेब सीरीज की पेनिट्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। पहले जो पहला सीजन था, दूसरा, जब पहली बार आपको नरेट किया गया तो क्या रिएक्शन था? रिएक्शन आशीष जी, सर बताओ, मैंने नरेशन भी नहीं सर से सुना था। मैंने सर ने जब मुझे बस कॉल आया कि ये यू नो वी आर कॉलिंग यू फॉर आश्रम, मैंने सीधा हाँ बोल दिया, बिकॉज मैंने एक दो हफ्ते पहले ही, दो ढाई हफ्ते पहले ही आश्रम खत्म किया था, फर्स्ट और टू सीजन एक साथ देख के पिछले साल जनवरी में। वो भी बिकॉज हम यू नो तब लॉकडाउन पहला खुल गया था, ठीक हो गया था, लोग आसपास ट्रैवल कर सकते हैं सब, तो हम लोग मेरठ में थे एंड पापा की फैमिली ने बताया, अरे भैया एक हमने शो देखा है, देखिएगा। माय फादर्स लाइक हाँ हम चारों बैठ के देखेंगे, हमें तो हिंदी शोज अब ढूंढते हैं कोई अच्छा कॉन्टेंट। एंड जब ये शो देखा तो समझ में आया, वाह, एक तो बॉबी देओल के टाइम बाद प्रकाश झा लेवल इस शो का, शो की जो कहानी दिखा रहे, सब एक्टर्स इतने अच्छे हैं कि जब ये
थर्ड फोर्थ का मेरे पास ऑफर आया नेक्स्ट सीजन का, तो मेरे पास बस ये था कि हाँ तो करना है, उसके बाद आप बताना क्या नरेशन है. तो हाँ था मेरे तरफ से, पहले ही हाँ था. जैसे ही आया प्रकाश झा का आश्रम है, मेरी तरफ से हाँ था. नरेशन सर ने बाद में दिया, स्क्रिप्ट क्या है, कैरेक्टर क्या है, वो सब मैंने बाद में सुना, क्योंकि चक्रव्यूह में पहले ही आप उनके साथ काम कर चुके थे. प्रकाश झा के साथ किसी भी एक्टर ने काम किया तो आपको पता है, एज एन एक्टर ही आप निकल कर आएंगे. ओनली थिंग इज कि सर किस नज़रिए से आपको देखते हैं. बट अगर आप देखें सर का कोई भी काम हो, वो हर एक्टर उसमें निकल कर आता है. एंड वो ही ये था कि आई नो कि बिकॉज ही इज एन एक्टर्स डायरेक्टर प्रकाश झा, तो आपको पता है आप उनके साथ कुछ भी काम करें आपका रोल अच्छा ही होना है. और 10 साल पूरे हुए हैं जर्नी को, मतलब जन्नत 2 से आपको जानता हूँ मैं, एक फोटो भी दिखाऊंगा आपको. अच्छा. पहला इंटरव्यू ये भी. ओह नो वे, ओह वाओ, दिस, ओह माय गॉड, आई लव इट. सो ये 10 साल की जर्नी है, इसको कैसे देखते हो? और आपके साथ ये जर्नी, या कैसे देखते हो इसको आप? पता नहीं, अगर आपको याद है मैंने शो कैसा किया था प्लीज मुझे बता दीजिए. बहुत अच्छा किया. मगर 10 साल की बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है आशीष जी. लाइफ में बहुत कुछ सीखने को मिला. हाँ, ये नहीं रियलाइज होता कि ओ गॉड 10 साल हो गए ये सब करते. हाँ, मुझे भी तो ऐसा लग रहा है कल ही आपका इंटरव्यू कर रहे थे. मतलब लगा अच्छा अभी तो शुरू किया था मैंने, अभी तो ये फिल्म की थी. और बाद में जब साल देखने लगता है, कैलकुलेट करने लगते हैं, अच्छा 10 साल हो गए. बहुत अच्छी जर्नी थी. तब भी मोस्ट डिजायरेबल थे, आज भी वही हो. हाय, थैंक यू आशीष जी. नहीं, बट यू नो मैं द यूनिवर्स, भगवान जो भी कहे, आई थिंक उन्हीं का सब देन है. मुझे नहीं पता मैं कैसे सर्वाइव कर लिया, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो इस इंडस्ट्री में, आई डू नॉट नो. क्योंकि मेरे काफ़ी हैं जो मेरे मुझसे पहले से काम कर रही और कहीं नहीं कुछ कर पाई, काफ़ी हैं जो मेरे बाद में आई और कहाँ से कहाँ पहुँच गई. बट जब मैंने उन सबसे अपने आप को कंपेयर करना रोक दिया ना, तब मैंने देखा कि वाह ईशा तुम कहाँ से कहाँ पहुँचे हो. एंड वो जर्नी बहुत खूबसूरत रही है, क्योंकि वो जर्नी सेल्फ डिस्कवरी की रही है, जहाँ मैं बहुत खुश भी थी, बहुत ऊपर भी पहुँची, नीचे भी गिरी, जेलस भी थी, इनसिक्योर भी थी, टू द लेवल कि अब वो 10 साल में मैं वहाँ पहुँच गई हूँ कि जो मेरी किस्मत में है वो मुझे मिल रहा है. जब आप वो एक्सेप्ट कर लेना तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुश होती है, आप कभी नहीं लगता आपके पास कम है. और अब मैं वहाँ पहुँच गई हूँ जो मुझे लगता है मेरे पास बहुत है, जितना बहुत ठहराव आ गया है. वो एज के साथ, टाइम के साथ, उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ ही आता है. जैसे मैं बचपन से लोगों को मिल रही हूँ, अरे आप बहुत मेच्योर फॉर योर एज व्हेन इट कम्स टू ठहराव अब आया, मगर फॉर लॉट ऑफ थिंग्स. बट हाँ, बिकॉज हमने अपनी फैमिली में, यू नो, व्हेन यू हैव टू, आप देखते हैं हमारी फैमिली में किसी के साथ, मतलब मेरी मदर के साथ भी सॉ द एक्सपीरियंस ऑफ, यू नो, वी डिडंट नो इफ शी इज सर्वाइव और नॉट. जब आप वो देखते हैं आप तब भी खुश हैं, तभी आई ऑटोमेटिकली, यू नो, लाइक आपको लोगों को उनकी इंस्टेंसेस, उनकी जो हालात होते हैं वो उन्हें बनाते हैं. आपके हालात आपको अच्छा कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं. लकीली हमने हमेशा बुरी चीज़ों से सीखा और सीख कर आगे बढ़े. इंडस्ट्री में फेम बहुत वोलेटाइल है, बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है. देयर आर सर्टेन पीरियड या टाइम, हर फ्राइडे में आपकी किस्मत बनती बिगड़ती है. कई बार ऐसा होगा लो फेज भी आया होगा, बहुत अकेला भी फील हुआ होगा, क्योंकि आप बाहर से हो, अपने दम पे आपने एक जगह बनाई है. कैसे उस समय पे अपने आप को वो आपने वो बांधे रखा और फिर आपने वो कमबैक किया और फिर आप इंडस्ट्री में आज तक सर्वाइव इतने अच्छे से कर रहे हो? आशीष जी, पहले देखिए ऐसे नहीं था. जैसे मैं आपको, पहले बहुत फर्क पड़ता था, अरे फिल्म फ्लॉप हो गई, ये हो गया. बट देन ओवर द पॉइंट आप रियलाइज करते हैं, पहले बहुत टाइम लगा मुझे सीखने में, ये चीज़ सीखने में मुझे बहुत ही वक्त लगा कि अपना काम करो और भूल जाओ, यू नो. क्योंकि देखिए, आपने तो काम कर दिया, आपने अपने तरफ से 100% दे दिया. उसके बाद जैसे हम एग्जाम देते हैं, टीचर का मूड होगा तो वो आपको 100 में से 100 दे देगी. काफ़ी बार ये मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझे पता है मैंने एक भी आंसर गलत नहीं किया. मैं टीचर से झगड़ा करती थी, आपने मेरे मार्क्स क्यों काटे मुझे ये बताओ, मैंने तो सब आंसर ठीक. मगर वो लोगों के मूड पे डिपेंड करता है. काफ़ी बार मेरी एक तो टीचर्स होती थी स्कूल में जो इतनी, मेरी खासकर हिंदी की, इतनी गुस्से वाली टीचर थी, कुछ भी कर लो वो खुश नहीं होती थी. तो आई फील ऑडियंस का भी ये है, अगर कुछ क्लिक कर गया तो कर गया, कुछ नहीं किया तो नहीं किया. आपने तो अपने तरफ से 100% दे दिया, मगर अगर आपको काम करके भूल जाए ना. हाँ, एक्सेप्ट फ़र्क ये है स्कूल में और रियल लाइफ में. स्कूल में अगर आप एक एग्ज़ाम में फेल हो गए तो ये, मतलब अगर आप फेल होते गए तो आप अगला एग्ज़ाम दे सकते हैं. हाँ, मगर अगर आप फेल होते गए आप उसी क्लास में रह जाएंगे. यही आई थिंक इन अ वे इंडस्ट्री में होता है. एक फेल हो गया कोई बात नहीं, दूसरी हिट दे दीजिए, दूसरी फिट वो भी फ्लॉप हो गई, तीसरी हिट हो जाएगी. हाँ, मगर जैसे मैंने कहा, अगर आप
फ्लॉपर फ्लॉप देते रहेंगे तो वो भी आप मतलब आप फेल हो जाएंगे फिर टोटल लाइफ में, बट बस देते रहे, काम करते रहे, काम करते रहे, जब किस्मत में लिखा होगा तब अच्छा होगा। बीइंग एन आउटसाइडर, किसी कैंप या लॉबी में आप नहीं घुसे, अपना काम करते रहे, उसका कहीं ना कहीं आप खामियाजा भुगत रहे हो? हाँ जी बहुत। मैं तो अगर मुझे कोई पूछे यंग जनरेशन को क्या करना चाहिए, आई तो फील अगर आपको ऑफर्स आ रहे हैं पार्टी के करिए आप, अगर मैं ये नहीं बोलूँगी मैं टिप दे रही हूँ, बट मैं बोलूँगी अगर आपको आ रहा है मुझसे मत सीखिए, बिकॉज मैंने देखा है बहुत पार्टीज में वहीं पर फिल्म बन जाती हैं, तो मैं मूवी करनी है मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मूवी बना लेते हैं। मैं होती नहीं उन पार्टीज में, पहले जाती थी मगर रियलाइज किया कि वो बहुत लेट नाइट होता है, नहीं होता हर एक का सीन, बट आई रियलाइज ना आशीषी वो ये जो आप बोल रहे थे ठहराव की बात, वो इतने सालों में ये चीज मैंने सीखी कि अगर मैं पार्टी करती, अगर मैं जो करना होता वो करती, शायद तब भी मुझे इतना काम मिलता क्योंकि मेरी किस्मत में यही लिखा था। जब आप वो एक्सेप्ट कर लें आप बहुत खुश हैं। मैंने ऐसे ऐसे एक्ट्रेसेस और एक्टर्स को मैंने देखा है, मैं उनका देखती हूँ सोशल मीडिया पे या मैं कभी बाहर जाती हूँ, वो रोज़ पार्टी कर रहे होते हैं, रोज़ कुछ करते हैं। आप सेलिब्रेट क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? आप कहते तो अपने आप को एक्टर है मगर आपने दो चीज़ें की, या तो आप बिजनेस भी कर रहे हो कुछ और कर रहे हो। आपकी लाइफ में जब आपको लगता है आप उस मुकाम पर नहीं पहुँचे आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हो? ठीक है छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए मगर आप जिसे बोलते हैं ना हम आवारा कर दिया, आप क्यों कर रहे हो? तो वो मुझे समझ नहीं आता। तो लाइक आई सेड जब आप एक्सेप्ट कर लेना कि आपको वही मिल रहा है जो लिखा है आपके लिए, आप बहुत खुश हैं। इंडस्ट्री बहुत सुपरफिशियल है, नकली इंडस्ट्री बहुत सुपरफिशियल है, बट इसीलिए आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपनी असलियत जाने, आपको अपनी असलियत पता है तो आप बहुत ठीक है, मगर काफ़ी लोग अपने भ्रम में रहते हैं, उन्हें लगता है मैं इतने लोगों को मिली वो लगता है कि शाहरुख खान है। अरे शाहरुख खान अपने आप को शाहरुख खान नहीं समझता तो आप कहाँ से आ गए? तो वो आई थिंक वो फसाद जब वो हट जाएगा इंडस्ट्री से तो ठीक हो जाएगा लाइफ। फिल्म आप करे, आपने म्यूजिक वीडियोज किए हैं, OTT में लगातार काम कर रहे हो, मतलब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें काम छोड़ा है, फिर भी ऐसा क्यों है कि आप चूजी हो या फिर आपका वो साफ गोई, जैसे कि मैंने शुरू में बोला वो यू टॉक योर हार्ट आउट, या आप दिल से बात करते तो लोगों को बुरा लग जाता है इसलिए आप कम प्रोजेक्ट का हिस्सा होते हो? देखिए प्रोजेक्ट्स भी अच्छे नहीं ऑफर हुए, हमने तो अपने आप को जहाँ पिच किया वो प्रोजेक्ट्स आपने देखे मैंने किए, प्रोजेक्ट्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं आए क्योंकि इस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है, या तो नेपोटिज्म की वजह से उन्हें काम मिल जाता है या फिर कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई संबंध रिलेशन किसी से हो। बिकॉज आई एम आउट स्पोकन तो काफ़ी लोग उससे ऑफेंड भी हो गए, काफ़ी लोग हैं जो यू नो दे वांटेड समथिंग एल्स इन रिटर्न, जो नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया। बाकी जो मैंने प्रोजेक्ट्स नहीं किए वो क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया, और जो किए क्योंकि सब कुछ अच्छा था, वो लोग भी अच्छे थे प्रोजेक्ट्स भी अच्छे थे। और आप उनमें से नहीं हो जो वो फेक प्यारी स्टोरी वो अफेयर वाली वो सब चीज़ें आपने लिए? वो नहीं हो सकता, मैंने बताया ना क्योंकि मैं इंडस्ट्री से नहीं हूँ ना, मैं ये करना चाहती हूँ कि यू नो या फिर कितना मैंने ये भी देखा है लोग अपने नाम उछाल देते हैं इस फिल्म को कर रही है। मैं तो अगर कोई मुझसे पूछते मैं साफ बोलती हूँ भैया मैं नहीं कर रही, मुझे पता ही नहीं है आर्टिकल कहाँ से आया, क्योंकि क्या करें कितना अपने आप को आप नकली बना के जीते रहे। देखिए अभी हमारे बाल से लेके नाखून तक सब नकली है वैसे भी, मतलब एक असलियत की बात मैं आपको बता रही हूँ, हम लोगों को वैसी पर्दे के आगे जैसे मैं वो 20 दिन एक महीना सोनिया प्ले कर रही हूँ तो मैं सोनिया ही प्ले कर रही हूँ, मैं वैसे भी ईशा गुप्ता नहीं, तो अगर मैं ईशा गुप्ता भी एक नकली जीते रहे तो कैसे होगा? इतना सच कैसे बोल लेते हो इस इंडस्ट्री में रह के आप? तभी तो देखिए ना, फिर आपका इससे पहले वाला सवाल था कि आप कब क्यों दिखती है इसलिए मतलब वो हिम्मत कहाँ से आती है इसी इंडस्ट्री में आपको रहना है? देखिए हिम्मत मेरे माँ बाप ने मुझे दी है, और बहुत ज्यादा हिम्मत दी है क्योंकि हमने माँ बाप ने एक ही चीज सिखाई, ना तुम्हारे पास ना हमारे पास कहीं हमने अंटी में पैसा छुपा के रखा है, ना तुम्हारा बाप कोई बड़ी चीज है, कोई क्यों ना तोप है कि बाप का नाम लो और तुम कहीं पहुंच जाओ, तो अपनी जिंदगी में तुम इतने मुकाम पे पहुंच जाओ कि अपने आप अपने हासिल कर पाओ जो भी। अब जब पता है खुद से सब कुछ करना है ना, और आपकी स्ट्रगल भी BMW में नहीं बैठ के कुछ भी स्ट्रगल हो, मगर वो रिक्शा में आपकी स्ट्रगल होगी या लोकल ट्रेन में, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि गिरूंगी भी तो दो चीज़ें हैं, एक तो सबसे नीचे गिर भी गए तो उसके बाद क्या होगा, ऊपर ही आएंगे, और अगर पीछे भी गिर गई तो क्या होगा, उठ जाएंगे अपने आप। तो वो जब आपका थर्टी होती है ना आप हर एक में कॉन्फिडेंस आ जाता है, और 10 साल पहले जैसा देखा था वैसी अभी भी हो और बल्कि और ज्यादा हॉटनेस फैला रहे हो आप। वो होता रहेगा, आप प्रोजेक्ट्स लेकर आते रहिए, मैं हमेशा रहूंगा इंशाल्लाह क्रॉसिंग। तो आई थिंक जीन्स है, मैं अपना बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं आज अपनी यू नो PR को बोल रही थी, एजेंट को, आई वाज लाइक बोलती हूँ डाइट अभी भी चल रही है ऐसा नहीं, मतलब मैं तो 2 दिन अभी वाराणसी में थी, मैं इतना खाकर आई हूँ कि मतलब वो 2 दिन का ट्रिप जैसे मैं
पूजा नहीं करने गई थी, बट मैं अपना खाना खाने गई थी। वो जाता कहाँ है? अरे नहीं नहीं गया, साड़ी में सब ढक जाता है, इतना 6 मीटर का फैब्रिक है ना, तो वरना आई थिंक वो जैसे आपने कहा खुश रहती हूँ और अपने आप को पहचानने की हमेशा कोशिश करती हूँ। वेस्टर्न ड्रेसेस हूँ या फिर अब साड़ी वाला अवतार हो, हर चीज को इतना अच्छे तरीके से इतना हॉटनेस के साथ कैसे कैरी कर लेते हो आप? मेरा क्योंकि एक सिंपल है, कपड़े वो पहने जो आपको फील गुड कराते हैं, ना कि कपड़े आपसे बेहतर हो। काफी लोगों की ना ये दिक्कत है कि स्टाइलिस्ट कपड़े ले आएंगे जो कपड़े तो अच्छे मगर हम पे नहीं अच्छे जच रहे, और वो फिर दिखता है कि आपने कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अभी आप मुझे पता है आप मुझे एक नॉर्मल कॉटन का सूट भी पहना देंगे, सलवार कमीज, मुझे पता है कि आई विल कैरी इट वेल अगर मुझे अच्छा लग रहा है। रियल फैशनिस्टा हो आप, इंस्पायर करते हो लोगों को। कैसे ये हर चीज आप मेंटेन कर लेते हो? प्लस सोशल मीडिया का जो जमाना है, आप इन्फ्लुएंस करते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं आप, पर्दे के पीछे से कंप्यूटर पे लिखना या फिर मोबाइल पे लिख देना बड़ा आसान होता है, उन हेटर्स को उनको कैसे आप डील करते हो, ट्रोल्स को जिनको सो कॉल्ड हम बोलते हैं? तो आशीष जी पहले जैसे फर्क तब भी पड़ता था, मगर अब इसलिए फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपने बोला ओवर द टाइम में आपको बोल रही थी वो आ जाता है, कॉमन सेंस आ जाती है, एक मैच्योरिटी आ जाती है टू रियलाइज कि किसी का भी ओपिनियन जब मैटर नहीं करता मुझे, जब आपके ओपिनियन से ना मैं बेटर होंगी ना आपके ओपिनियन से मैं बकवास हो जाऊंगी, तो आप कुछ भी लिखते रहो जो आपको कहना है, वो तो आपका आपका मन है। अब बस ये है बिकॉज कंप्यूटर के पीछे से लोग बोलते हैं तो लोगों को अब डर नहीं है कि उनके मुंह पे तमाचा पड़ेगा, बस ये है, वरना सड़क चलते हुए आप किसी को कुछ बोल के देखिए नहीं कोई बोलेगा, बट यहाँ पे तो लोग अपना, हम लोग तो एटलीस्ट अपना देखे, इतनी हिम्मत है कि अपना असली नाम कर रहे हैं, यहाँ पे तो लोग वरना आप नाम देखेंगे XYZ123 एंड आप बोलेंगे अरे ये हो कौन तुम यार। 10 साल के इस जर्नी को एक सेंटेंस में बताना या किस तरीके से डिस्क्राइब करोगे आप? वाओ, 10 साल की इस जर्नी को एक सेंटेंस में तो पता नहीं, बट शी इज स्टिल लिविंग हर ओन लाइफ, आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक टू से। और ना सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो आप, फिलैंथ्रोपी, ह्यूमैनिटेरियन चीज़ों में इतने अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो, शायद कम लोगों को पता हो, लेकिन गर्ल चाइल्ड उसके अपलिफ्टमेंट में, इवन एनवायरनमेंट के सब चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो, कैसे वक्त निकाल लेते हो आप? आशीष जी मैंने पता है मेरे मम्मी पापा हमेशा से बहुत रहे हैं लोगों को करने में, अगर जेब में 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती थी एक टाइम पे हमारे लिए, मतलब एफोर्स जितना गवर्नमेंट देती है, मगर वो 500 में भी अगर किसी को चाहिए मदद तो शायद बस 50 रुपये रखेंगे मेरे माँ बाप, वो भी कि अपने बच्चों को हम खिला पाए, अपने लिए नहीं सोचेंगे, तो वो बचपन से हमने अपने फैमिली में देखा है। अब भगवान ने इतना दिया है कि उस मुकाम में पहुँच गए, तो मुझे लगता है जितना हम दे सकते हैं उन चीज़ों के लिए मैं अपनी आवाज़ उठाना पसंद करती हूँ, उठाना चाहती हूँ, चाहे वो जानवर हो, एनवायरमेंट हो, बच्चे हो, जिनके लिए वो खुद आवाज़ नहीं उठा सकते। तो मुझे मेरे इसीलिए ना मैं उन चैरिटीज़ में बिलीव भी नहीं करती जहाँ कहीं पैसे दे दिया कुछ कर दिया, मेरे मम्मी पापा बहुत करते हैं मेरे पीछे से, मेरे नाम पे, मेरी सिस्टर के नाम पे, चाहे वो किसी के लिए भी हो। हाँ हम जब मीडिया में करते हैं क्योंकि हम लोगों में भी बिलीव करते हैं चैरिटी अगर दिखा दो तो चैरिटी नहीं रहती, मगर इनको हम सोशल, जैसे आपने कहा फिलैंथ्रोपी में मानते हैं ना कि चैरिटी में, मैं तो आपने एकदम सही बोला था, क्योंकि जितना हम इन चीज़ों को बढ़ावा देंगे पब्लिसिटी इन्फ्लुएंस होंगे, एग्जैक्टली आम लोग भी देख के बोलेंगे अरे हमें भी कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, और उम्मीद करता हूँ हम ऐसे ही मिलते रहें, 10 साल नहीं अगले 20 साल 30 साल और लगातार आप ऐसे काम करते रहें, और जब मिलूं तब भी मैं ये बोलूं कि आप तब भी उतनी सुंदर लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी और अभी भी वैसे लग रही है। बस ये तो मैं भी चाहती हूं, ये दुआ भगवान आपकी, ये वरदान आपको ऊपर वाले ने दे जाए। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू।